प्रदेश आजादी का जश्न मना रहा है। जिस आजादी का सपना कितनी ही आंखों ने आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते तो कहीं आजादी के लिए खुशी खुशी मौत को गले लगाते हुए देखा था। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो हमें मुंह जुबानी याद है, लेकिन कुछ ऐसे वीर भी रहे हैं जिनके बलिदान के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। ऐसे ही कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हमने जाना गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की इस कार्यक्रम में। पर फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों की ये सूची और उनकी गाथा पूरी नहीं हो पाई। आजादी का दिन है और हमें गर्व है क्योंकि हम स्वतंत्र राष्ट्र के होने का सबूत है। तो आओ देश का सम्मान करें, आजादी के दिन महान वीरों को याद करें। समय समय पर लोगों के हौसले टूटते, लेकिन उन्हें प्रेरित और एकजुट करने का काम किया उन नारों ने जिन्हें हमारे देश के महापुरुषों ने दिया था। इन्हें सुनकर स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के मन में देशभक्ति की भावना और बढ़ जाती थी। साल दर साल स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ यादगार नारे दिए जो आज भी हमें अपने देश के लिए गर्व और देशभक्ति की भावना से भर देते हैं, चाहे वे भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो या फिर सुभाष चंद्र बोस। आइए स्वतंत्रता सेनानियों से मिले कुछ यादगार नारे आज के दिन याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक है जिन्हें प्यार से नेताजी के नाम से याद किया जाता है। देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा देते हुए उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहे और वे उन्हें आजादी दिलाने में मदद करेंगे। शहीद भगत सिंह का नारा, इनकलाब जिंदाबाद। यह एक ऐसा नाम है जिसे बच्चा बच्चा जानता है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में देश आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखे गए नारे को लोकप्रिय बनाया। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है क्रांति जिंदाबाद। महात्मा गांधी का नारा, करो या मरो। करो या मरो का नारा अंग्रेजों के लिए देश छोड़ने का आखिरी आह्वान था और साल 1942 में महात्मा गांधी द्वारा मुंबई में एक भाषण के दौरान दिया गया था। इसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया नारा सत्यमेव जयते का। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साल 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए जनता को प्रेरित करने के लिए ये नारा दिया था। सत्यमेव जयते का मतलब है सच्चाई की ही जीत होती है। राम प्रसाद बिस्मिल का बेबाक नारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति कविता की इन पंक्तियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तेज होने पर नारे का रूप ले लिया था। कविता ने लोगों को अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता पाने के लिए महान बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। आइए इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें और प्रण ले कभी ना भूलने की गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की। जय हिंद।